नमस्ते जी, BFTS स्कूल भाग के 13 में आप सभी का स्वागत है। तो बताओ बच्चों, दारू से ज्यादा नशा किस में होती है? ओ मैडम जी, आपका सवाल में जवाब छिपा है। मतलब? इसका मतलब यह है कि आपने बोला कि दारू से ज्यादा नशा किस में होती है। किस मतलब यह है कि चुम्मे में होती है। बनेगा ज्यादा इंजीनियर, अब बैठो पढ़ाई पे ध्यान दे तू। ओ मैडम जी, एक सवाल है जो मेरे अंदर हमेशा टनटनाते रहता है। कौन सा सवाल है? सवाल ये है मैडम कि बच्चा कहाँ से पैदा होता है? अरे गटर के कीड़ा, अभी तक तुमको ये भी नहीं पता है कि बच्चा कहाँ से पैदा होता है? मैडम मुझे नहीं पता है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे मेरे नन्हे, अभी तो चुप कर, मैट्रिक वाले स्टूडेंट को ये सब पढ़ाया जाता है, अभी तो तुम्हारा उम्र कच्चा है। अच्छा मैडम जी, आप एक बात जानते हैं कि नहीं? कौन सा बात बोलो? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड एक दिन फोन की थी और बोली कि बाबू मुझे हग चाहिए, तो मैंने आधा किलो का प्लास्टिक निकाला और उसमें हग के मैंने गर्लफ्रेंड के घर कुरियर कर दिया। हाँ तो ठीक ही तो किया रे कुत्ता चंडाल, अब बैठ कर पढ़ाई शुरू कर। तो अच्छा बच्चों, तुम लोग ये बताओ कि वह कौन सी तीन चीज है जो निकल जाने के बाद वापस नहीं आती? मैडम जी हम बताएंगे। हाँ बताओ। तो सुनिए, तीर कमान से, बोली जुबान से और बात शरीर से निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आती मैडम। हमको पहले से पता था रे कुत्ता कि तू अपना लंगड़पना नहीं छोड़ेगा। मैडम इस स्कूल में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे टक्कर लेके दिखा दे। ओए माँ का लाल को तो पता नहीं, पर मैं माँ की लाडली तो उसको पानी पिला सकती हूँ अकेले। तो ठीक है, आ जाओ, हो जाए पटका पटकी। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो जी? हाँ हग मुद के आ रहे हैं। चलो सर से मार पिटवाते हैं, उल्टा फुल्टा बोलते हो। प्रणाम सर। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बैठो बैठो। इधर गई सर, सर मत ले जाए सर, सर बहुत जोर से लगे सर, सर प्लीज जाने दीजिए ना सर। तुमको कितना पेशाव लगता है रे, दिन भर में तुम 10 बार पेशाव करने जाता है तो पढ़ेगा कब? सर आप ऐसे बोलिएगा सर, तीन चीज को कभी नहीं रुका जा सकता। कौन तीन चीज रे? तो सुनिए सर, मुतवास, हगवास, पदवास। अरे चंदा तुम कभी नहीं सुधरेगा का रे? सर सुधरने का कोशिश तो करवे करते हैं लेकिन बिगड़ जाते हैं। अरे तुम इतना हवा कैसे छोड़ता है रे, गैस की बीमारी है का? नहीं सर, ये खानदानी बीमारी है, दादा के राज से चलते आ रहा है। चार चप्पल लगेगा तो सुधर जाओगे, जाओ टॉयलेट करके आओ जल्दी। ओके सर, आई एम जाइंग, अब तुरंत आई। क्या जी? अरे कौन है रे जो लगातार आंसू गैस के गोला दागे जा रहा है? आवाज तो तुम्हारे तरफ से आया, तुम था क्या रे? नहीं सर हम नहीं थे, ये पता करा था। अरे हम नहीं पाते हैं, तुम पात कर मेरा झूठा इल्जाम लगा रहा है, अगर फांसी का सजा हुआ तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम लोग हल्ला नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो पादा हुआ कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ सर ठीक है बोले हैं। अब बोलो, अब तो पर्दाफाश हो गया ना, कि अपना सफाई में और कुछ कहना है? नहीं सर, हम धीरे से बदने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गलती से जोर से पदा गया। तो अच्छा बच्चों, आज का क्लास यही तक, अगले एपिसोड में करण लाल जी और अंश बाबू का मुकाबला होगा। तो बोलो बच्चों, हरे राम घरे जाके करम काम, हरे राम घरे जाके करम काम। काहे मारे खिसी आते जहां गला पे, कोई जाई बवाल तोरा पदला पे। अरे सर आ रहे हैं, पढ़ना चालू करो। पढ़ा दे रे के कागे।
एक्का और दुक्का रे। तो जल्दी पढ़ गे। ठीक हो रे। एक्का एक, एक्का एक, नेटा फेक। राम राम छिया को, हम ऐसे ना पढ़ बुरे। तो कैसे पढ़ूंगी गे? अच्छा से पढ़ाओ ना। अच्छा ठीक, तो पढ़। दुक्का दू, दुक्का दू, भर चुका गू। अरे कौन है रे सुअर के बच्चा? ये महतो जी के दलाल समझ लिया का रे? ऐसे पढ़ाई होता है जी? पढ़ा दे रे, तके का रे, तब पांच का रे, ये सब क्या है जी? अब तुम लोग कौन से गैरेज से निकले हो जी? मैडम जी, ये हीरो होंडा के शोरूम से निकले हैं। अरे चंडाल गटर के कीड़ा, तुमको हम सुधार देंगे। समझ क्या रखा रे? अच्छा बहुत हुआ पढ़ाई सढ़ाई, अब एक गाना सुनाओ तो। मैडम जी सुनिए। समझे? छौरी सर। अरे बेहुदा, छौरी नहीं होता है रे, सौरी होता है, सौरी, समझा? अच्छा। अच्छा जी, तुम आज स्कूल में एक घंटा लेट क्यों आई हो? मैडम, वो मेरे मम्मी पापा लड़ रहे थे। लड़ रहे थे मम्मी पापा, तो तुम्हारा लेट कैसे हो गया जी? मैडम, मेरा एक जूता पापा के पास था और दूसरा जूता मम्मी के पास था। और तुम जी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आया था? मैडम, हम तो कल गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। अच्छा, किस लिए? हाँ मैडम, दो बार किस लिए? अरे गधा, हम बोले क्यों मिलने गया था? अरे तू ऐसा बोली ना, मन नहीं लग रहा था इसलिए मिलने गए थे। अच्छा तो ये बात है। देखिए ना सर, ये हमको घूर घूर के देख रहा है। हाँ रे, तुम क्यों उसको घूर घूर के देख रहे हो? सर हम कहाँ घूर घूर के देख रहे हैं, हम तो सीधे देख रहे हैं। अरे चंडाल, लेकिन उसको देख क्यों रहे हो? अरे पगली सर, कुछ नहीं करेंगे, सर तो खुद मैडम से प्यार करते हैं। अब गुस्सा छोड़ो और प्यार का इजहार करो। ए, तुम होश में तो हो ना? मैं प्यार, वो भी तुमसे, मुझे पढ़ना ही नहीं है तुम्हारे साथ, घटिया इंसान। मैं जा रही हूँ, अकेले बैठ के पढ़ते रहना। अरे सब क्या माजरा है जी, वो गुस्सा होके क्यों भाग गई? सर हम उससे बहुत प्यार करते हैं और कल आइसक्रीम नहीं खिलाए इसलिए वो रूठ गई है। रूठ गई तो मनाओ, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। चलो साथ में हम भी चलते हैं। बीएफडीएसी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बताओ बच्चों, आज क्या पढ़ाया जाए? मैडम जी, आज हम सर से सवाल करने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, टीचर तो बना ही है स्टूडेंट के सवाल के जवाब देने के लिए। तुम पूछो। अरे कहीं गुरु गुड़ अचेला चीनी ना हो जाए रे, लेकिन पूछो। बच कर रहिएगा सर, ये बहुत खतरनाक सवाल करता है। तो बताइए तो सर, आज गाय दूध देगी तो कल क्या देगी? ये लो, ये ससुरा कौन सवाल है जी, इतना हल्का सवाल, ये तो कोई भी बता देगा कि आज गाय दूध देती है तो कल भी दूध ही देगी ना। नहीं सर, आप फंस गए, कल पानी देगी। अच्छा, आज गाय दूध दे रही है तो कल पानी कैसे देगा रे बुढ़वा? तुम हमको मूर्ख बना रहा है का रे? नहीं सर, आज गाय दूध दे रही है तो कल, मतलब चापा कल, पानी ही ना देगी सर। तो हम जो पढ़ाएंगे वो तुम लोग पीछे पीछे बोलना, ठीक है? तो बोलो बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। अरे गधा, तुम पढ़ने आता कि सोने रे, चमड़िया खींच देंगे, समझा? नहीं सर,
हम सो नहीं रहे थे, हम चिंतन कर रहे थे। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर, सो रहा था। ज्यादा मत बोलो। मैडम जी से पूछिए तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे। हाँ रे, सही बात है, तो बताओ तो अभी सर ने क्या पढ़ाया है। मैडम, सर ने अभी पढ़ाया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अरे गधा, गटर के कीड़े रह गया रे। दिल्ली में कुत्ता बीमार नहीं है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, समझा। देखो हल्ला बहुत हो गया, चुपचाप रहो और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। तो बोलो बच्चों, कौआ उड़ तोता उड़, कौआ उड़ तोता उड़। तो अब बोलो, मौसा उड़ मौसी उड़, मौसा उड़ मौसी उड़। रे गधा, मौसी उड़ती है रे। हाँ मैडम, मेरी मौसी मेरे पापा को बोल रही थी कि मुझे जहाज पर कब उड़ाइएगा। अच्छा ठीक है बच्चों, हम सब लोग के कॉपी में होमवर्क दे चुके हैं, अगली बार पूरा करके आना। बाय बाय बच्चों। बाय बाय।